सब्सक्राइब कीजिए हमारे देव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन पर ताकि हम जो भी नया वीडियो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे देव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों आज हम टेक्समो की 5 HP सिंगल फेस की मोटर, मच्छी मोटर है, इसे आप ओपन वेल भी बोल सकते हो, इसकी आज हम रिवाइंडिंग करेंगे। दोस्तों इसकी रनिंग की पिच है 6, 8, 10, 12। इसका गेज है 1.4 का रनिंग के अंदर और स्टार्टिंग के अंदर 1.2 और दोनों की पिच 6, 8, 10, 12 ही रहेगी रनिंग और स्टार्टिंग की। तो एक सेट तो हमने रनिंग का बना लिया 6 कोयलों का और 6 कोयलों का स्टार्टिंग का है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे। ये हमारी सबसे छोटी वाली कोयल है जो कि एक्सेस में डलेगी। ये हमारा इनर सिरा है, ये हमारा राइट हैंड की तरफ भी होना चाहिए, आप किधर भी रख सकते हो। और इसके अंदर सेफ्टी के लिए हमने PVC पाइप लगा लेनी है ताकि हमारे तार इधर से स्क्रैच ना हो और रगड़ के लग के छिल जाए। और अब ऊपर से डार्ट लगाएंगे इसके। अभी तो इसके अंदर एक एक कोयल और आएगी इसके ऊपर स्टार्टिंग की। और हम कोयल को इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे, नीचे सेप दे देंगे ताकि हमारी बाद की कोयले भी आसानी से बैठ जाए इसके अंदर एक दूसरे के ऊपर तक ना हो। अभी 8 वाली डालेंगे मैं दूसरे नंबर की कोयल। देखिए दोस्तों हमने ये दूसरी वाली भी डाल दी है। सेम इसी प्रकार आपकी पूरी कोयल इसी प्रकार डालेंगी, सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगी और कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। घबराने इस पर कारम सेप दे देंगे कोयल को। यह टेक्समो कंपनी की मोटर है 24 स्लॉट की सिंगल पेस 5 HP 2800 RPM की मोटर है दोस्तों। ये अब 1 से 10 वाली कोयल डालेंगे हम स्लॉट के अंदर। पहले कोयल को इस प्रकार से फोल्ड कर लेना थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ से ताकि हमारे स्लॉट के अंदर एक साथ चली जाए और ये हमारे सीरीज को घुमा देना चाहिए इस प्रकार, इस प्रकार। यह 1 से 10 वाली कोयल भी मैंने डाल के कंप्लीट कर दी। इस प्रकार से एक एक तार को और रनिंग के टर्न हैं 14 और 28 1.4 के और स्टार्टिंग के हैं 17:35। 6 और 8 वाली के अंदर तो 17 और 10-12 वाली के अंदर 35। अब 1 से 12 वाली डालेंगे हम।
112 वाली बोल्ट डालेंगे हम। वो डालना आसानी से है, अगर हमारा तार कहीं से छिल गया तो आपकी मोटर अर्थ बता देगी और आपकी मोटर भी नहीं चलेगी, या तो तार फोड़ देगी वो, या फिर आपको दोबारा रिवाइंड करना पड़ेगा। इसलिए तार को बड़ी आसानी से डाले स्लॉट के अंदर, ज़बरदस्ती नहीं करें। देखिए दोस्तों 112 वाली भी हमने डाल के कंप्लीट कर दी। ये हमारा रनिंग का एक सेट डल जाता है पूरा कंप्लीट। अब आप चाहे तो यहाँ पर जॉइंट भी कर सकते हो, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, जॉइंट नहीं करेंगे यहाँ पर। हमारी पूरी कोयल जॉइंट में, मतलब पूरी एक ही कोयल है, एक ही तार है, हमने काटा नहीं है कहीं से भी। अब एक ही डालेंगे पूरा, और अगर आप चाहो तो जॉइंट भी कर सकते हो बीच में। अब इसके सामने हम दूसरा सेट डालेंगे मोटर को। आपको मोटर उल्टी कर लेनी है। 106 वाले में हम पेपर डालेंगे पहले। सेम उसी प्रकार डालेंगी सारी कोयले जैसे कि हमने पहले सेट में डाला था उसी प्रकार। ये हमारा इंडस्ट्री रहने जाता है, इसके अंदर भी हम पीवीसी पाइप लगा लेंगे ताकि यहाँ पर रगड़ के लगे तो हमारा तार छिले नहीं। और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, स्किप करते हो, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे कि कैसे होगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज़ को गहराई से देखें। अब 108 वाली डालेंगे। ये 108 वाली कोयल बल्कि कंप्लीट हो गई। ऊपर से हम ये स्ट्रिक लगाएंगे प्लास्टिक की। एक से 10 वाली डालेंगे हम कोयल, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेंगी जैसे कि पिछली कोयलों में है, वैसी आपको डालते चले जाना है। पूरी कंप्लीट कर लेनी है मोटर को। अब हमारे रनिंग का एक कोल रह जाता है 112 वाला। आप यहाँ पर चाहो तो जॉइंट भी कर सकते हो, हम पूरी एक साथ डालेंगे। ये वाला तार इस स्लॉट के अंदर जाना चाहिए और ये वाला इस वाले स्लॉट के अंदर जाना चाहिए। फिर आपको बिल्कुल सही घूमना चाहिए यहाँ पर। देखिए दोस्तों हमारी सारी कोयले डल के थोड़ी देर में कंप्लीट होने वाली है रनिंग वाली। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए तभी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। जो भाई नए हैं, नए वाइंडिंग का काम सीख रहे हैं उनके लिए, और जिनको आता है वो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेक करता हूँ दोस्तों,
सेम इसी तरह डलेंगी। तो दोस्तों ये हमारी 6 कोयले 8 कोयले हैं, 4, 10, 12 पीछे इसकी, सेम जैसे आपने रनिंग कैसे डाला वैसे के वैसे स्टार्टिंग का डालते चले जाना है, और कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका कनेक्शन अगले वीडियो में दिखा दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और स्टार्टिंग की यहाँ से डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 10 और 12, फिर इसके सामने 6, 8, 10, 12, इस प्रकार सारी कोयले इसी प्रकार डलेंगी दोस्तों। और इसके कनेक्शन तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।